पॉइंट पे ही और लो पे प्रॉपर कटआउट बनाएगी, जिसका ग्रैंडिया उसमें फॉर्च्यूनर वगैरह में प्रोजेक्टर होते हैं। 23 से 24 लाख इस हालत में, 24 लाख इस कंडीशन में, ये इसका वर्ल्ड पॉइंट है और ये इसका येलो वर्ल्ड है। सीन इस तरह है कि यहाँ से थोड़ा सा सामान जो है ना लेना है इनसे, वो आपको साथ इनके स्टोर का भी विज़िट कराते हैं, काफ़ी सारा उनके पास सामान कुछ नया भी आया, तो ये है वगैरह मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो इनसे आपको कोई भी रब्ता वगैरह करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो अभी यह है कि नबील भाई अंदर गए हैं, तो उसके बाद ये है कि इनके स्टोर का विज़िट करते हैं, साथ साथ आपको ले कर चलते हैं। ये इसका वर्ल्ड पॉइंट है और ये इसका येलो वर्ल्ड है। और इनके जो मतलब जलने का स्टाइल है जैसे ऐसे ऐसे आया है, मैं कहता था ऐसी दो थी और ये वी बनता, ये असल में 60 सेंटीमीटर की जाती है, सामने सिंगल लगाई हुई है। असल में कई लोग काट के भी कर लेते हैं, लेकिन काट के मसला ये होता है कि आपको नहीं पता खराब ना हो जाए चेक इसकी, फिर उसके साथ अलग से तार लगा के सोल्डरिंग करवानी पड़ेगी। सनी लाइट ऑन करके इसमें दो ऑप्शन थी, इसमें दो ऑप्शन होंगे हाई बीम लो बीम। ये इसका लो पॉइंट है और हाई पॉइंट, ये इसका हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट पे ही और लो पे ही प्रॉपर कटआउट बनाएगी, जिसका ग्रैंडिया उसमें फॉर्च्यूनर वगैरह में प्रोजेक्टर होते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया प्रोजेक्टर। यार ये नबील भाई का काफ़ी सारा असल में ऊपर थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, इसका जो रिव्यू है इनके स्टोर का आने वाले कुछ दिनों तक मज़ीद डिटेल में आएगा। फिलहाल इनके पास ये जितना भी सामान पड़ा है, ये है मॉक्सी के लिवर्स हैं, ये टैंक पैड्स वगैरह, इंडिकेटर्स ऑल टाइप, वो लॉक वगैरह, और ये ग्लव्स आपका डिस्क लॉक, और ये ग्रिप्स वगैरह, और ये क्रैश गार्ड है, उसके बाद ये ग्रिप्स हैं, फिर ये इंडिकेटर, ये सिक्योरिटी अलार्म है, ठीक है, तो ये बाकी दूसरे क्रैश गार्ड वगैरह। तो हाँ ये जो आप बता रहे थे, ये इनके पास मॉक्सी की ग्रिप्स वगैरह आई हुई हैं, ये तो डिफरेंट कलर में, ब्लू, येलो, रेड, तो सीट कवर्स एक्सेट्रा। इसके बाद कीरिंग्स वगैरह इनके पास काफ़ी सारे आए हैं, कल ही आए हैं बिल्कुल फ्रेश, और साथ ही जो है ना DRL जो जिनकी गोल लाइट है, YBG वगैरह जिनके, YBRG है जिनके पास, ठीक है, ये स्विचेस वगैरह, असम्बलीज भी इनके पास हर तरह की पड़ी हुई है। तो इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिटेल रिव्यू इनका स्टोर का इंशाल्लाह 2-3-4 दिनों तक आएगा। तो यार अब वापसी है, नबील भाई से सारा वो सामान वगैरह ले लिए, वो मैं आपको बताता हूँ क्या इनकी गैरेज में एक भूसा खड़ी है, मैं कोशिश करूँगा इसका रिव्यू लेके आने की, थोड़ा सा टाइम हुआ तो, नहीं तो फिर जो है ना इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में इससे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्टेंट आ रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह ज़रूर करें। तो ये खड़ी हुई है नबील भाई के पास भूसा, है इनके दोस्त की जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन ये है कि है मतलब इधर ही है, मतलब दूर ज्यादा नहीं। ये जो है 2012 मॉडल है, दूसरा अच्छा सेकंड जनरेशन में है, सही, और 18 की रजिस्ट्रेशन है, मतलब 23 से 24 लाख इस अभी इसकी प्राइस ब्रैकेट में है, इस हालत में 24 लाख इस कंडीशन में। नया तो बहुत महंगा है, नया तो 70-80 लाख है, वो थर्ड जनरेशन, थर्ड, लेकिन अब वो भी कोई 90 लाख-1 करोड़ तक पहुंच चुका है, बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में, इसमें जो एग्जॉस्ट लगे हुए बिल्कुल स्टॉक बाइक है अपना इसका, अभी इसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करनी है, इसकी फेयरिंग हम चेंज करेंगे, एग्जॉस्ट चेंज करेंगे, सही, प्रॉपर व्हील ऑल्सो वगैरह सारी चीजें, सर हम आपके पास आएंगे इसका रिव्यू लेने, ठीक है, डिटेल रिव्यू, ओके बॉस, ओके। तो दोस्तों सीन इस तरह की, अभी हम आए हुए नबील भाई के घर, उनके पास खड़ी हुई है भूसा, तो आने वाले कुछ वीडियोस में किसका आएगा रिव्यू वगैरह आएगा, अभी हम जल्दी में, और नबील भाई ने भी कहीं जाना है,
तो ये है कि कुछ सामान वगैरह नबील भाई से लिया, वो मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ लिया, और इनका नंबर वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा, साथ कैटलॉग वगैरह इनकी जितनी भी है। तो इनके पास YBR 125, 150, इवन के हैवी बाइक्स वगैरह के भी ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। इंजन वगैरह का तो YBR का सारा पार्ट्स अवेलेबल है, 150 जो होंडा का है और YBR जी एक्सेट्रा सब का। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट चलते हैं, आपको जो है ना इसके भी मज़ीद व्लॉग्स वगैरह आएंगे भूसा के, और साथ BMW के ये बता रहे थे कि BMW कार्बन आ रही है, तो उसका भी रिव्यू आपके पास इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। गाइस इस तरह है कि यार नबील भाई से हम हो आए हैं, मैं भी आपको सामान दिखा देता हूँ क्या क्या हमने लिया। तो एक तो यार ये लिया है DRL, ठीक है, फ्रंट पे लगाने के लिए। तो ये इसकी मज़ीद जो अनबॉक्सिंग वगैरह है ना वो आपको फिटिंग के दौरान दिखा देंगे, ठीक है। जो इजी है अनबॉक्सिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो एक ये है प्रोजेक्टर, इनसे ये जो बड़ी गाड़ियों में प्रोजेक्टर होता है ना, लाइक टोयोटा वगैरह एटलस वगैरह, ये उनके टाइप का, ये प्रॉपर कट आउट बनाता है अपना हाई लो बीम पे, ठीक है। ये हम लगा के आपको रात को चेक कराएंगे प्रॉपरली इसकी फिटिंग वगैरह, ये वो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो लगाने का भी ब्लॉग इंशाल्लाह आएगा। तो इसके बाद एक और चीज़ हमने ली है, वो ये है कि वो ये है हैज़र्ड बटन है, ये भी मैं आपको जो है ना बताऊंगा वो करके। ये इसका हैज़र्ड बटन है, ये इसके पीछे फिटिंग का वो है जिस तरह भी हमने फिट करना हो। और लास्ट चीज़ हमने लिया है ये, ठीक है, आपको वीडियो में आपने देखा होगा जो हॉर्न वगैरह हमने लिया है उसकी फिटिंग के लिए हमें एक एक्स्ट्रा बटन चाहिए, क्योंकि लाइट हॉर्न और हैवी हॉर्न दोनों को हमने जो है ना कन्वर्ट करना है इनमें, ठीक है। इस तरह वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या ऑन करें तो क्या चीज़ जो है ना वो होती है। अच्छा, और दूसरा बटन देखते हैं किसके लिए एडजस्ट करें, या क्या पता हम वो जो एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगाएं इन फ्यूचर उसमें एडजस्ट कर दें, या जिस तरह भी हो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा जो प्लान बना स्नैन, क्योंकि अभी घर में नहीं है, मतलब यहाँ पे है नहीं, वो ऑफिस गया हुआ है, तो वो भी आए तो उससे भी मशवरा वगैरह करते हैं कि यार क्या करना चाहिए, दो बटन है तो किस तरह यूटिलाइज करें। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया, भूसा का आपने सीन देख लिया कि रिव्यू वगैरह जो भी आएगा इन फ्यूचर, अभी छोटा सा रिव्यू था वो आप देख चुके हैं। तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को बल्कि लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी बजाएं, ताकि जो है ना आपको आने वाली वीडियोस वगैरह टाइम पे मिल सकें, और जो है ना भूसा का आप डिटेल रिव्यू देख सकें, और साथ BMW कार्बन भी आने वाला है कुछ ही दिनों तक इंशाल्लाह, तो उसका भी हम जो है ना रिव्यू लेके आएंगे, और उसका भी बारे में आपको मज़ीद जितना भी जान सके, जितना भी बता सके वो जो है ना आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।